आश्रा महिषत मीडिया मजहब और मां। अस्सलाम वालेकुम, चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। बात हो रही है, IMF चल रहा था और उसके साथ साथ महंगाई अपने उरूज की तरफ जा रही थी। एक एक रुपया करके डॉलर कम हो रहा है, डॉलर बाहर स्मगल करने की भी बात मेन स्ट्रीम मीडिया से चल रही है, दो तीन चैनल्स बात कर रहे हैं और कोई इसकी कॉन्ट्रडिक्शन, इसका रिबटल देने के लिए हाकिमों में से कोई तैयार नहीं है। तो ये डॉलर माफिया, जनाब इसाक भाई, इसाक डार साहब, आपसे मुखातिब हूँ। आप तो 200 रुपए का करने आए थे डॉलर, फिर क्या हुआ? ये ठीक है कि ये जो मुआहदे किए थे असद उमर ने इमरान खान की गवर्नमेंट में, और उसको उन मुआहदों को पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से अब वो आकर कहते हैं कि जी आप बुलाएं इमरान खान को। यही शब्बर जैदी साहब ने कहा है कि बुलाएं उनको, जिनकी गवर्नमेंट में ये तय हुआ था, जब तक वो साइन नहीं करेंगे ताकि हमें पता तो चले ना, हम किसी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डालें कि कौन इसका जिम्मेदार है, IMF नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ, हमारे मसूद नकवी साहब हैं, वो भी बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन वो पूरा वक्त, उनकी जिंदगी अब तो बहुत बीमार हैं बेचारे, पूरा वक्त वो टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन में रहे। एक जो इकोनॉमिक्स हमारे मुल्क की मेंटेन होती है जिस तरह, और जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी टीम के साथ रहे मसूद नकवी साहब, प्राइम मिनिस्टर के साथ बहुत दफ़ा रहे, आज से नहीं तकरीबन 30-32 साल की उनकी ये स्ट्रगल है। तो उनका मैंने एक बड़ा डिटेल इंटरव्यू किया था पिछले साल, यही पूछना था कि ये IMF जो है वो इस तरह का बम क्यों गिराता है जिसका नुकसान सिर्फ आम आदमी को होता है, और वो इस तरह की डिक्टेशन क्यों देता है। तो एक बड़ी हैरान कुन बात उन्होंने बताई, वो दोबारा मैं वो क्लिप ऑन कर दूंगी। उन्होंने कहा नहीं बीबी, ये मैंने उनसे ये पूछा था कि ये बताइए कि सारी दुनिया को IMF लोन करता है, ये रौला हमारे यहाँ क्यों पड़ा रहता है, सिर्फ हमारे साथ क्या मसला है? तो उन्होंने कहा नहीं, IMF ऐसा कुछ नहीं करता, जैसा आपके यहाँ कीमतें बढ़ा दो, आपको डिक्टेशन दे रहा है और पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो और फलाने की मेंटेन कर दो, प्राइस मैनेज कर लो, फलाना काम कर लो। ये पहली दफ़ा IMF ने कहा है कि हम आपके एसेट्स जो हैं ग्रेड 17 एंड ऊपर के, उसकी हमें डिटेल्स चाहिए। चाइना ने कहा हम तो तुम्हें कोई मदद भी नहीं देंगे चूंकि तुम खा जाते हो, यानी मदद तक लोगों ने आपकी करप्शन की वजह से देने से इनकार कर दिया, कर्ज तो अभी दूर की बात है। जनाब रोज, यानी रोजाना एक नई ढिटाई मैं कहूंगी सामने आ रही है। इतनी बड़ी कैबिनेट और चार आदमी आज फिर शामिल कर लिए, शहबाज शरीफ साहब, आपने वजीर आजम साहब, कुछ कोई क्या आपकी समातें बहरी और बसारतें मुकम्मल तौर पर अंधी हो चुकी हैं? और वो जो बहुत बड़ी लीडर बनकर आई हैं, चीफ एग्जेक्टिव हो गई हैं कि वो अपनी पार्टी की, उनके हाथ में सारे इख्तियारात दे दिए गए हैं, मरियम नवाज साहिबा, एक तो वो जाहिल हैं, उनको कोई टेक्निकल चीज़, जो उनको स्पीच लिख के दे दी जाती है वो जलसों में हाथ लहरा लहरा कर, और प्लास्टिक सर्जरी अपनी, अपना जो है वो सिर्फ फेस उनका सामने होता है और वो लिखी हुई तकरीर होती है, उनको कुछ नहीं आइडिया कि वो क्या कह रही हैं। लोग मजाक तो उड़ाते ही उड़ाते हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं ये किस तरह के लोग हैं, इतनी बड़ी कैबिनेट, इतनी बड़ी कैबिनेट के पर्क्स, प्रिविलेजेस, उनकी सैलरीज, 160 गाड़ियां आपने इंपोर्ट कर ली, अब क्या करके रहे हैं ये? और बाकियों के लिए पेट्रोल पंप्स पे लाइनें हैं अवाम के लिए, और फिर तकरीरों में माइक तोड़ तोड़ कर हबीब जालिब का हशर नशर करते हैं आप। कितनी रूह तड़पती होगी हबीब जालिब की आपका ये ड्रामा देखकर। जनाबे अली, IMF का कोई कसूर नहीं है, कसूर हमारा है। हम एक्सपेंसेस कम करने को तैयार नहीं हैं, एक्सपेंसेस हमारे बहुत ज्यादा हैं, आमदनी आपकी बहुत कम है, तो ये मसला तो हमने हल करना है, ये IMF ने थोड़ी हल करना है। कहें ना अपने भाई साहब से, कहें अपने अब्बा से मरियम के, जो लूट के ले गए बाहर पैसा, और जरदारी साहब, वो बिलावल जो फॉरेन मिनिस्टर बनकर बैठे हुए, कहें अपने अब्बा जान से
कि जे बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो आपके बाहर हैं वो लेकर आए। मैं तो कहती हूं अरबाब इख्तियार से वो जो भी हैं इस मुल्क के, अब इन लोगों को बाहर न जाने दिया जाए, इनको रोका जाए यहां पे, कबल इसके कि अल्लाह का कोई और बड़ा अजाब, मुआशी अजाब से बड़ा, मुआशी जलजले से बड़ा कौन सा जलजला होगा, लेकिन आने वाला है ना, कहा जा रहा है कुछ भी हो जाएगा, जरूरी नहीं है कुछ सिर्फ जलजला हो, कोई और तूफान आ सकता है, हर चीज के लिए तैयार नहीं। बस आखिर में ये कहना चाहती हूं कि एक दरवाजा बहरहाल हर वक्त खुला है, एक दुआ है परवरदिगार इस दफा गेहूं के साथ घुन ना पिसे। कौम तो अब ये रही नहीं ना, तो बहुत कहा जाता है जैसी कौमें होती हैं वैसी उन पर हाकिम नाजिल किए जाते हैं। दिस नेशन डिजर्व दिस काइंड ऑफ लीडरशिप, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं, चाहे वो जरदारी साहब हैं, और जिस तरह की गंदी ब्यूरोक्रेसी है, सिविल ब्यूरोक्रेसी, तो कौन कौन अपना पैसा बाहर लेके गया है उससे कौन मंगवाएगा आप? हमें इनकी सजा में कोई दिलचस्पी नहीं है, हम नहीं चाहते ये जेलों में रहें, हम नहीं चाहते इनको फांसियां चढ़ें, हम तो चाहते हैं पैसा मुल्क में वापस आए, बस वो ले आइए। और आवाम को खुद सोचना पड़ेगा कि वो इनसे डिमांड करें कि पैसा वापस लाओ, नहीं तो तुम्हें वोट नहीं मिलेगा, चाहे खुद इमरान खान की टीम हो, चाहे शहबाज शरीफ साहब की टीम हो। क्या इमरान खान साहब की टीम में किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की? वो पिंकी क्या कर रही थी? पिंकी ने, पीरनी ने, वो रूहानी बानो जो थी आपकी इमरान खान साहब, उन्होंने कम उधम मचाई है पंजाब में, तो ये पैसा तो आपको पिंकी से वापस लेना पड़ेगा। अगर आप वाकई अगला वोट चाहते हैं, लोग कह रहे जी इलेक्शन हो जाए, देखें इलेक्शन हो, हर चीज का हल इलेक्शन कैसे हो सकता है? ये बेशक आपकी पॉपुलैरिटी जो है वो तो आसमान को छू रही है, तो पॉपुलैरिटी पे भरोसा मत करें, अल्लाह की तरफ देखें, वो आपको जानता है, ये मासूम बेवकूफ लोग नहीं जानते, लेकिन वो आपको जानता है। एक नई थ्योरी है, खुद तो बेचारा करप्ट नहीं है ना, खुद तो बड़ा ईमानदार है। भाई ईमानदारी की डेफिनेशन तो बता दें क्या होती है, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी किसे कहते हैं फिर आप, कि जब आपके चारों तरफ बेईमानियां हो रही हों और आप उससे सरफे नजर करें, वो क्या है? दैट इज इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, वो ज्यादा खतरनाक है। तो मैं तो समझती हूँ जो भी इस मुल्क के ऑपरेटर हैं, अगर उन्हें अपनी गलतियों का अंदाजा हो रहा है, रियलाइजेशन आ रही है, बहुत अच्छी बात है, तो अब इनकी सजा का वक्त आ गया है। और ये सजा उसूलन तो अवाम को देना चाहिए, लेकिन अवाम तहैया करके बैठी है, दुनिया का जो काम करेगी वो हुकूमत करेगी, फौज करेगी, पुलिस करेगी, हम आराम से घर में बैठ के ड्राइंग रूम में तनकीद करेंगे, बहसें करेंगे, बस ऐसे काम नहीं चलेगा कि हर वक्त वही मरते रहें आपके लिए। आप खुद भी तो आगे बढ़े ना, आज मुल्तान में जो कुछ हुआ है, इस तरह के वाकयात, इससे ज्यादा संगीन वाकयात इलेक्शन कमीशन में अभी होंगे। पंजाब में वीगो मंगवाई गई हैं 100 के करीब, उससे ज्यादा, यानी 100 करोड़ की, 1 अरब से ज्यादा की तो गाड़ियां मंगा ली गई हैं उन लोगों के लिए जो सुजुकी कैरी में सफर करते थे, उन अफसरान के लिए जो 100 आदमी रखे हैं आपने सिकंदर सुल्तान साहब, उनको क्यों ब्राइब किया जा रहा है ये इस तरह की सरकारी पद देकर? और ये सरकार का पैसा नहीं है, ये हमारे टैक्सेस का पैसा है, ये अवाम का पैसा है। तो मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज, इलेक्शन हो या ना हो, अब तो हिसाब का वक्त आ गया है, हिसाब तो आपको देना है, चाहे किसी इससे भी बड़े जलजले से आए जो टर्की में और सीरिया में आया है, चाहे किसी और तरीके से आए, हिसाब तो अब आपको देना होगा। मस्नूई महंगाई करने वाले ये बेशरम बेजमीर ताजर जो इस मुल्क को एक पैसा टैक्स जो है वो बचा कर समझते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं बचाया, 100 रुपए हमारा टैक्स बन रहा था, हमने आईटीओ को कहा यार ऐसे करो 50 रुपए तुम बचा दो मेरे, और बाकी 50 में से 20 रुपए गवर्नमेंट की ट्रेजरी में डाल दो और 30 रुपए तुम अपनी जेब में डाल लो। ये इस तरह देते हैं टैक्स, और फिर वो इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्या कोई पूछने वाला है कि जो ये सेल्स टैक्स की ये 17% जो है,
क्या ये हुकूमत को मिल रहा है? ये हम दे रहे हैं, चाय की पत्ती लेने जाए तो, मसाला लेने जाए तो, साबुन लेने जाए तो, ये टैक्स हम दे रहे हैं जनाब। बिजनेस कम्युनिटी, इतने बड़े बड़े चैंबर्स बने हुए हैं और फेडरेशन ऑफ चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, इनके बारे में भी, इनको भी एक्सपोज किया जाए, और इनको लोग एक्सपोज करेंगे अभी, और लोग इनको मारेंगे। ये आप याद रखिएगा, ये जितने जलजले आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हाकिमों पर ही आएंगे, आप भी हाकिम हैं, आपके पास भी ये ताकत है कि आपके पास कारखाने हैं, आपके पास सनते हैं। और मुझे समझ में नहीं आता कि लोग अपने आप को इतने पढ़े लिखे, तो मीडिया ने इतनी अवेयरनेस तो उनको दे दी कि किस किस को गाली देनी है, किस किस को एक्सपोज करना है, किस किस की पगड़ी उछालनी है, क्या उन्हें नहीं मालूम कि ये डॉलर माफिया जो है ये यही ताजर है? इनको सीधा किया था सिर्फ अय्यूब खान ने, और सीधा चलाया था, फिर कोई उनसे नाराज नहीं हुआ, सब खुश थे। सनतों के जाल बिछा दिए उस शख्स ने, और भुट्टो ने आके उस पर पानी फेर दिया। भुट्टो ने आकर उन्हें नेशनलाइज क्यों किया? ताकि वो सरकारी इदारे बन जाएं और सरकारी सियासी कारकुनों को उसमें नौकरियां देकर अपना वोट पक्का किया जाए अगले 77 के इलेक्शन में। लेकिन फिर क्या हुआ? जीत लिया उन्होंने 77 का इलेक्शन, और कैसे जीता? फिर क्या हुआ? तस्लीम कर लिए गए रिजल्ट्स, नहीं किए गए ना, और आखिरकार वो फांसी चढ़ गए। तो ऐसे किसी वक्त का इंतजार कीजिए। अब अगर आप बाज नहीं आएंगे तो अल्लाह का अजाब तो खड़ा ही खड़ा है, लेकिन लोगों में भी एक अवेयरनेस आ रही है, उनको पता चल रहा है कि उनके साथ क्या हाथ हो रही है। छोटे छोटे दुकानदार, बेकरी वाले, पार्लर वाले, टेलर्स, परचून की दुकान वाले, मसनूई महंगाई सब्जी वाला, ग्रोसरी शॉप वाले, ये मसनूई महंगाई करने वाले कौन हैं? इनके पास जो ताकत है, क्या ये अपनी ताकत को मिसयूज नहीं कर रहे हैं? इनको कौन मारेगा? आप चुपचाप जो जिस भाव पे वो बेचे सामान आप लेकर घर आ जाते हैं, क्यों नहीं करते इनकी दुकानों पर आप पथराव? कीजिए आप जरा, दो चार लोग उठे, उसके बाद देखिए ये कैसे सीधे होते हैं। तो जनाब, आपको खुद भी कुछ करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। हर काम आपके लिए पुलिस और फौज नहीं करेगी, हर काम हुकूमत के करने का नहीं है, ये आपने करना है, चूंकि इससे आप इफेक्ट हो रहे हैं। बस यही कहना था, आईएमएफ को गालियां देने के बजाय और आईएमएफ को मुजरिम समझने के बजाय अपना जुर्म देखें, अपने हिस्से का काम करें। खुदा हाफिज। अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, लगाए बैठे हैं।